अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुश आमदीद। भारत का झूठ फिर हुआ बेनकाब। तुम्हारे सदर को फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का मोदी सरकार को साफ जवाब। और 900 करोड़ खर्च करके भी भारत का टूट गया ख्वाब। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो कि इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र सपरा सालार का, जिन्होंने यौम दिफा और शहदा पर शहीदों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में कहा, शहदा हमारा फख्र और उनके अहले खाना हमारी जिम्मेदारी। पाक फजाइया के शहदा को सलाम। मुल्क भर में यौम फजाइया जोश और जज्बे से मनाया गया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब हुई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कहा, फजाओं की हिफाजत के लिए हम हर दम तैयार हैं। शेख रशीद ने खून के आखिरी कतरे और आखिरी गोली तक लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, मोदी ने तारीखी गलती की, अब किसी सूरत उसे छोड़ना नहीं चाहिए। खबरदार कर दिया कि किसी ने पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। चांद पर उतरने का भारतीय मिशन फेल होने पर पाकिस्तानी सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे। फवाद चौधरी ने खबरदार किया कि कश्मीर मोदी सरकार का एक और चंद्रयान होगा। शेख रशीद और फयाज़ुल हसन चौहान ने भी भारत पर खूब चोट की। साइंसदानों को मायूसी हुई और जिस तरह उसके रबते मुंतखे हुए और मुसोलिनी और डिक्टेटर हिटलर जो जिस तरह पश्चिमानगी में और शर्मिंदगी में वो वहाँ से उठाया, वो मुंह के बल गिरा, हर महाज पे गिरेगा। यौम फजाइया के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन ने राशिद मिनहास शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खाने की। दो पल का ये जीवन है। जिंदगी तो एक बार मिलती है, क्यों ना मुल्क के लिए वक्त की जाए। ये अल्फाज 15 साल की उम्र के लड़के ने अपनी डायरी में तहरीर किए, जिसे दुनिया शहीद राशिद मिनहास के नाम से जानती है। हर लम्हा बस उड़ना है। मुल्क पे जान निछावर करना, जामे शहादत नोश करना, ये जज्बा राशिद मिनहास में बचपन से ही था। जैसे उन्हें 15 इयर्स के थे, उन्हें पोएट्री जो लिखी थी उसमें सारा लिखा था उन्हें कि लाइफ इज़ बट अ शॉर्ट स्पैन, सो व्हाई नॉट टू आवर कंट्री गिव द लाइफ विच वी सो इजीली कैन, सो दैट जनरेशंस टू कम विल रिमेंबर अस एज ग्रेट वन। पाक फिजाइया के अफसरान ने जवां साला शहीद पायलट की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहख्वानी की। इस मौके पर एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पुलवामा अटैक के बाद दोबारा से इंडियन एयरफोर्स ने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया और फिर से कौम की उम्मीदों पे उतरते हुए और अपनी रोशन जो हमारी रवायात हैं उनको कायम रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने भरपूर जवाब दिया। दुश्मन जब भी हवाओं में सफर करके आया, फिजाओं में रहने वालों ने नापाक अजाइम को आसमान से गिराकर खाक में मिला दिया। वतन अजीज के लिए अपनी जानें देकर कौम को बचाया। और अब बात करते हैं यौम फजाइया पर पाक फजाइया के उस हीरो की, जिसका रिकॉर्ड 54 साल बाद भी कोई ना तोड़ सका। एक मिनट में भारत के 5 तैयारे मार गिराने वाले एमएम आलम ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। एमएम आलम को 2 मरतबा सितारे जुर्रत अता किया गया। शहर इक्तदार में ये मेला सजा है किताब दोस्तों का। NBF ने रीडर्स क्लब स्कीम के तहत सस्ते दामों इल्म के मोती बांटने का आगाज जो कर दिया। मेंबरशिप स्कीम के इफ्तिताही रोज ही NBF के किताब घर के बाहर लाइनें लग गईं। 100 रुपए के कार्ड पर 6000 रुपए तक की किताबें 50 से 55% रियायत पर खरीदी जा सकती हैं। मैंने मेंबरशिप ली है और माशाल्लाह से 50% इनके ऑफ है और जो जो मेरी पसंदीदा किताबें होंगी मैं वो बिल्कुल लूंगी। पढ़ने में जितना बुक्स पढ़ने में मजा है उतना मोबाइल फोन में नहीं है। MD नेशनल बुक फाउंडेशन पर उम्मीद की ये इकदाम मुताले के फिरोग में बहुत मददगार साबित होगा। लोगों का बहुत ज्यादा इस तरफ रुझान है, लोग किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ सस्ती होकर मिले, तो ये जो रीडर्स क्लब स्कीम है ये बहुत ही मुफीद किताब कल्चर के फरोग के लिए और आदात मुताले के लिए। वफाकी वजीरे तालीम शफकत महमूद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब के साथ किताबों के स्टॉल्स का मुआयना भी किया। बोले, इल्म की रोशनी फैलाने के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन की काविश काबिले सताइश है। कैमरामैन ज़ियाफ़त अब्बासी के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। साबिक क्रिकेटर्स, PCB के अहदेदारान, सियासी और समाजी शख्सियात और अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की। बेटे सलमान कादिर के मुताबिक उनके वालिद को दिल का आर्जा नहीं था, अचानक तकलीफ हुई जो जानलेवा साबित हुई।
अब्दुल्कादिर दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन लेग स्पिनर्स में से एक थे, एक बेहतरीन दोस्त दुनिया से रुखसत हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक क्रिकेटर को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। बेहतरीन इंसान, अजीम लेग स्पिनर और बेहतरीन दोस्त। वज़ीर आज़म इमरान खान का अब्दुल्कादिर को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान अजीम क्रिकेटर और मैं बेहतरीन दोस्त से महरूम हो गया। ट्विटर पर लिखा, अब्दुल कादिर बेहतरीन लेग स्पिनर और ड्रेसिंग रूम की जान थे। उनकी जहानत और मिजाह से साथी क्रिकेटर्स भी महजूज होते थे। वजीर आजम ने कहा कि अब्दुल कादिर के आदाद व शुमार उनकी काबिलियत की दुरुस्त अक्कासी नहीं करते। अगर उनके दौर में आज का जदीद DRS सिस्टम होता तो वो भी शेन वॉन जितनी विकटें अपने नाम कर चुके होते। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के इंतकाल पर सदर और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजहार अफसोस किया है। गमजदा खानदान से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। अब्दुल कादिर के इंतकाल की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि अब्दुल कादिर के इंतकाल पर दिली सदमा हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा, पाकिस्तान आज एक अजीम खिलाड़ी और इंसान से महरूम हो गया। चेयरमैन PCB एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने दुख का इजहार किया। टीम अक्रम ने लिखा, अब्दुल कादिर अपने वक्त के अजीम स्पिनर थे जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी अब्दुल कादिर के इंतकाल पर ताज़ियत की। रणवीर सिंह को पाकिस्तान कोई भुला सकता है और ना इस तरह का बॉलर कभी जिंदगी में पैदा हो सकता है। बहुत दुख की बात है, बहुत बहुत दुख की बात है और मुझे दिल ही बहुत दुख हुआ। माय हार्ट गोज आउट फॉर हिज फैमिली। जुनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर इमरान ताहिर ने लिखा, अब्दुल कादिर मेरे गुरु और मेंटोर थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी अब्दुल कादिर को खिराज अकीदत। 1983 के बॉक्सिंग डे मैच की वीडियो अपलोड की। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉन, ब्रेटली, भारत के सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन ने भी ताजियत का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने रहीम यार खान में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक सलाहुद्दीन के केस की तहकीकात DIG ओहदे के अफसर से कराने का ऐलान कर दिया। रहीम यार खान में केस की जुडिशल इंक्वायरी के दौरान MS शेख जैद अस्पताल, बैंक अमला और मुकदमे में नामजद पुलिस एहलकार के बयान कलमबंद कर लिए गए। फिरोजवाला में लेडी कांस्टेबल पर वकील के तशद्दुद से पुलिस और वकला आमने सामने आ गए। मुतासरा खातून कांस्टेबल की मुलजिम को हथकड़ियों के साथ अदालत में पेश करने की तस्वीर ने हलचल मचा दी। FIR में वकील का नाम गलत होने पर फौरी जमानत मिल गई। वकला ने हड़ताल करके पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। अदालत में पुलिस का दाखिला बंद है के बैनर्स लगा दिए। रियाज अहमद की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून डील करने और पैसे देने को तैयार है मगर ये कहते हैं कि हमारा नाम सामने ना आए। PTI रहनुमा हुमायूं अख्तर ने समा के प्रोग्राम एजेंडा 360 में बड़ा दावा कर दिया है। पेशगोई की अनकरीब ये सब लोग एक जहाज में मुल्क से चले जाएंगे जिसके बाद मुस्लिम लीग नून में बड़ी दरार आएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि ये डील करने को और पैसे देने को तैयार हैं। क्या सिर्फ ये रहे हैं कि जी हमारा नाम ना आ जाए कहीं बीच में। ओके, ये बात इस वक्त चल रही है। मैं आपको एक और पेशन गोई करूं कि आप अनकरीब देखेंगे कि वही एक जहाज चलेगा और ये लोग मुल्क से चले जाएंगे। तीसरी पेशन गोई ये है कि अभी जुबैर ने खुद कहा इन्होंने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। ओके, सो मैं आपको पेशन गोई करता हूँ कि जब ये होगा तो ये PMLN में दरार आएगी बहुत बड़ी और इसमें पूरी एक पावर टसल चलेगी। शहबाज शरीफ जल्दी से जवाब दे रहे हैं। आशिक अवान कहती है वज़ीर आला पंजाब दरवेश इंसान है जबकि पंजाब के अवाम को फनकार वज़ीर आला की आदत रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब से मुतमिन है। सरदार उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि जज वीडियो स्कैंडल में नू लीग वीडियो पेश नहीं कर सकी। अदालती फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। आपको आदत हुई है अदाकार वज़ीर आला की और फनकार वज़ीर आला की जो सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग पर लगा रहे। एक दरवेश सिफ्त इंसान जो कम अज कम अपना सर नीचे करके इस कौम के लिए सोच रहा है, इस सूबे के लिए सोच रहा है, तो वहाँ अगर कोई इल्ज़ाम है उन पर तो बताएं। पूरे एक साल में कोई स्कैंडल है तो
बताएं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सूबाई वजीर इत्तला असलम इकबाल ने कहा कि सरकारी अस्पतालों की निजकारी नहीं की जा रही। फ्री दवाई है, ऑल पेशेंट्स कमिंग इनटू इमरजेंसी विल हैव फ्री टेस्ट, ऑल पेशेंट्स कमिंग टू आईसीयू सीसीयू इंडोर फ्री टेस्ट होंगे। मियां असलम इकबाल का कहना था कि हुकूमत सेहतयामा पर सालाना 275 अरब रुपए की खतरी रकम खर्च कर रही है, इसके बावजूद मतलूबा नतायज हासिल नहीं हो रहे। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आरिफ मलिक, समा लाहौर। फैसलाबाद में सिक्योरिटी सूरतेहाल के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अब्दुल्लाहद इसी पर रिपोर्ट करेंगे। मोबाइल खामोश हो गए। फैसलाबाद जिला में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल बंद कर दी गई। साथ में मुहर्रम पर ही राब्तों की बंदिश पर शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। उठा तो देखा मैंने कि मोबाइल सर्विस बंद है, तो पहले तो 9 या 10 को मुहर्रम को बंद करते थे, अब 7 मुहर्रम को इन्होंने बंद कर दिया है। पहले मुहर्रमों में ये होता था कि 8वें मुहर्रम या 9वें मुहर्रम को ये बताते थे कि ये सर्विस एक दिन के लिए बंद है, ठीक है। अब इन्होंने 7वें मुहर्रम को सुबह 6 बजे से सर्विस बंद की हुई है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र ये इकदाम किए गए। इस दफ़ा जो थ्रेट आ रही थी बड़े शहरों से मुतलिक वो खासी सवेर थी, तो कोशिश ये की गई कि फौरी तौर पे उनको टाइमली उनको रिएक्ट किया जाए, तो उसको रिएक्ट करते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। 9 और 10 मुहर्रम को ज़िला भर में मोटरसाइकिल की डबर सवारी पर भी पाबंदी लगाई गई है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंदिश से आम सार्फिन को मुश्किल का सामना है, क्योंकि हालिया बरसों में राब्तों के लिए मोबाइल फ़ोन जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल्लाहद, समा, फैसलाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा। शहर इक्तदार में ये मेला सजा है किताब दोस्तों का। एनबीएफ ने रीडर्स क्लब स्कीम के तहत सस्ते दामों इल्म के मोती बांटने का आगाज जो कर दिया। मेंबरशिप स्कीम के इफ्तिताही रोज ही एनबीएफ के किताब घर के बाहर लाइनें लग गईं। 100 रुपए के कार्ड पर 6000 रुपए तक की किताबें 50 से 55% रियायत पर खरीदी जा सकती हैं। मैंने मेंबरशिप ली है और माशाल्लाह से 50% इनके ऑफ है, और जो जो मेरी पसंदीदा किताबें होंगी मैं वो बिल्कुल लूंगी। पढ़ने में जितना बुक्स पढ़ने में मजा है उतना मोबाइल फोन में नहीं है। एमडी नेशनल बुक फाउंडेशन पर उम्मीद की ये इकदाम मुताले के फरोग में बहुत मददगार साबित होगा। लोगों का बहुत ज्यादा इस तरफ रुझान है, लोग किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें सस्ती होकर मिले, तो इस ये जो रीडर्स क्लब स्कीम है ये बहुत ही मुफीद किताब कल्चर के फरोग के लिए और आदात मुतालिया के लिए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब के साथ किताबों के स्टॉल्स का मुआयना भी किया। बोले इल्म की रोशनी फैलाने के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन की काविश काबिले सताइश है। कैमरामैन ज़ियाफ़त अब्बासी के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद।